हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों के चैनल गेमिंग टैजू टिक्स में। आज की इस वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने MPL फैंटेसी रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आ गया हूँ। वो अपडेट यही है कि अभी जो IPL चल रहा है उसमें अगर आपने MPL में टीम दिया तो मैच स्टार्ट होने के बाद आप उस टीम को किसी को भी बेच सकते हो और किसी का टीम को भी आप खरीद सकते हो। तो कैसे कर सकते हो वीडियो में डिटेल में बताऊँगा, तो चलिए वीडियो को यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने गुजरात और लखनऊ का जो IPL मैच है उसमें एक टीम देके रखा था, लेकिन उस टीम को मैंने अभी बेचना चाहता हूँ क्योंकि मेरा टीम का कैप्टन गोल्डन डाक हो गया, मतलब जीरो में आउट हो गया। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी वहाँ पे जो सेल का ऑप्शन दिखा रहे थे उसके ऊपर टैप करके यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपको एक अमाउंट डाल देना है। तो अगर आपका टीम अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब आपका कैप्टन या वाइस कैप्टन जीरो या एक दो रन बना के आउट हो गया है, तो आपको क्या करना है, आप जितने रुपीज़ में टीम दिया था उससे थोड़ा बहुत कम रुपीज़ यहाँ पे देना है। उसके बाद सेट आस्क प्राइस का ऑप्शन में टैप करके आपको आपका जो टीम है उसका बिट लगा देना है। उसके बाद अगर किसी ने आपका टीम को खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है। अगर खरीद लिया तो आपको एक SMS MPL की तरफ से आ जाएगी कि आपका जो टीम है उसको किसी ने खरीद लिया और आपको पैसा मिल जाएगी। और अगर अपने अमाउंट को चेंज करना चाहते हो तो आप एडिट आस्क प्राइस का ऑप्शन में टैप करके चेंज कर सकते। और अगर आपका टीम बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब आपका कैप्टन या वाइस कैप्टन बहुत रन बना दिया फिर भी आप उस टीम को बेचना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, हमेशा जितने रुपीज़ से आपने टीम दिया है उससे ज़्यादा आस्क प्राइस करना है ताकि आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाए। और अभी IPL का जो मैच है उसमें ही ये ट्रेड चल रहा है, लेकिन बाद में बाकी जो मैच होता है उसमें भी ट्रेड ले आ सकता है। तो अभी चलते हैं, आप कैसे किसी का टीम को बाई कर सकते हो उसके बारे में बताता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले से जिस मैच में आप टीम बाई करना चाहते हो उसमें एक टीम दे के रखना है, नहीं तो आप किसी का टीम को खरीद नहीं सकते। उसके बाद वहाँ पे आना है, उसके बाद यहाँ पे जो व्यू का ऑप्शन है जिसमें आप लीडरबोर्ड देखते हो, जो आपने टीम दिया है उसका रैंक कितना है, कैसा चल रहा है उसके बारे में जानते हो, उसके ऊपर टैप करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी जो फर्स्ट रैंक में है इस मैच का, तो उसका भी टीम अगर आप चाहो तो खरीद सकते हो अगर वो बेचना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो बीट का ऑप्शन दिखा रहा है उसके ऊपर टैप करना है और देखना है कितने सारे लोग उस टीम के ऊपर बीट लगाए, और जो हाइस्ट बीट लगाया है उससे ज़्यादा आपको बीट यहाँ पे दे देना है। और अगर वो बेचना चाहते हैं तो आप उस टीम को खरीद लोगे, और ख़रीदने के लिए हमेशा आपको हाइस्ट बीट देना होगा। अगर हाइस्ट बीट से कम बीट दिया तो आप टीम को खरीद नहीं सकते हो। उसके अलावा अगर आप देखना चाहते हो कि कौन कौन लोग यहाँ पर टीम बेचना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो टीम ऑन सेल ऑप्शन दिखा रहा है उसके ऊपर आपको एक बार टैप कर देना है। और जैसे ही एक बार टैप कर दोगे, यहाँ पर मैंने टैप कर दिया और यहाँ पे देख सकते हो इन लोगों ने इन लोगों का टीम को बेचना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे 2 रुपीज़ में 3 रुपीज़ में ऐसे ही बेचना चाहते हैं। और यहाँ पे इसके ऊपर टैप करके आप उन लोगों का टीम कैसा है देख सकते हो, और अगर उस टीम को आप खरीदना चाहते हो बाई करना चाहते हो तो यहाँ पे जो बीट का ऑप्शन है उसके ऊपर टैप करके आप डायरेक्टली उसका टीम को खरीद सकते हो। तो ऐसे ही आप खरीद सकते हो और आपका टीम बेच सकते हो। और किसी का टीम को खरीदने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बीट का ऑप्शन दिखा रहा है उसके ऊपर टैप करना है, और जैसे ही आप टैप करोगे अगर वो 2 रुपीज़ में उसका टीम को बेचना चाहते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी बाई एट 2, तो आपको क्या करना है उस ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना है। और अगर 3 रुपीज़ में बेचना चाहते हैं तो बाई एट 3 का ऑप्शन आ जाएगी, तो आपको क्या करना है उस ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, और जैसे ही टैप करोगे आप उसका टीम को खरीद लोगे। तो ऐसे ही आप MPL में अभी जो IPL चल रहा है उसका टीम बाई और सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो इतना ही, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला और कुछ भी फायदा हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि अगली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।